नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं स्टडी आईटीआई स्किल्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने ल्यूब्रिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी की थी और यह जाना था कि इंजन में ल्यूब्रिकेशन क्यों जरूरी है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना था कि ल्यूब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ ल्यूब्रिकेंट कहलाता है। इंजन में ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रमुखतः इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में हम इंजन ऑयल की ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ल्यूब्रिकेंट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ल्यूब्रिकेंट यानी इंजन ऑयल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग क्या होती है, इंजन ऑयल का SAE नंबर क्या होता है, SAE 20W40 का क्या अर्थ है, मल्टी ग्रेड ऑयल्स क्या होते हैं एवं आप अपनी गाड़ी के इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव कैसे करें। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर ल्यूब्रिकेंट्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स एवं लिक्विड लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट, माइका पाउडर, सॉप स्टोन आदि का प्रयोग होता है। ये लुब्रिकेंट्स वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां पर लोड अधिक होता है। ऑटोमोबाइल में ग्रेफाइट को इंजन ऑयल में मिलाकर कमानी के पट्टों में लगाया जाता है। कई निर्माताओं द्वारा ग्रेफाइट को पिस्टन रिंग्स एवं बेयरिंग्स पर भी लगाया जाता है ताकि इंजन की स्टार्टिंग के समय जब पार्ट्स पर इंजन ऑयल नहीं होता उस समय भी यह पार्ट्स ल्यूब्रिकेट होते रहें। सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रमुखतः ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस का प्रयोग यूनिवर्सल ज्वाइंट एवं कई जगहों पर किया जाता है। लिक्विड ल्यूब्रिकेंट के रूप में इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इंजन ऑयल इंजन का प्रमुख ल्यूब्रिकेंट है और इसी की डिटेल्ड स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंजन ऑयल की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ऑयल के बहने की क्षमता को विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ऑयल का गाढ़ापन बताती है। यदि ऑयल पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी एवं गाढ़े ऑयल की विस्कोसिटी अधिक होती है। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को एक नंबर द्वारा दर्शाते हैं जिसे उसकी विस्कोसिटी रेटिंग कहते हैं। इंजन के हिसाब से यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, तो इसकी डिटेल्ड स्टडी हम अभी इस वीडियो में आगे करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कि ऑयल बहना बंद कर देता है एवं जमना स्टार्ट कर देता है। इंजन ऑयल का पोर पॉइंट कम होना चाहिए, नहीं तो ठंडों के समय ऑयल जल्दी ही जम जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल जलना प्रारंभ कर देता है। फायर पॉइंट हमेशा फ्लैश पॉइंट से अधिक होता है। इंजन ऑयल के फायर पॉइंट एवं फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए, नहीं तो इंजन गर्म होकर जल्दी से जलने लगेगा। अगली प्रॉपर्टी है ऑयलीनेस। ऑयलीनेस इंजन ऑयल की चिकनाहट को बताती है। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट वॉल्यूम का वजन दर्शाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंजन ऑयल के भारीपन को बताती है। अगली प्रॉपर्टी है एडहेसिवनेस। यह इंजन ऑयल के कणों का आपस में चिपकने एवं पार्ट्स की सतह से चिपकने का गुण होता है। इंजन ऑयल की एडहेसिवनेस अधिक होनी चाहिए, तभी यह दो पार्ट्स के बीच में ऑयल की परत बना पाएगी। अगली प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन नंबर। इंजन ऑयल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को न्यूट्रलाइजेशन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज। इंजन ऑयल को जंगरोधी होना चाहिए। इसके अलावा भी इंजन ऑयल की कई और प्रॉपर्टीज होती हैं एवं इन प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए इंजन ऑयल में कई एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग एवं ग्रेड्स की। जब आप इंजन ऑयल खरीदने जाते हैं तो आप एक नंबर बताते हैं, जैसे कि 10W30, 20W40 इत्यादि। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में ऑयल का नंबर कहा जाता है, जैसे कि 20 नंबर का ऑयल, 30 नंबर का ऑयल, 40 नंबर का ऑयल इत्यादि। ये नंबर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग को बताते हैं। एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स,
इसे शॉर्ट में SAE भी कहते हैं। इस सोसाइटी के द्वारा इंजन ऑयल एवं अन्य कई ऑयल्स की विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन को दर्शाने के लिए एक स्केल बनाया गया है। ये ऑयल की विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन को एक नंबर द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि SAE 10, SAE 20, SAE 30 इत्यादि। जैसे जैसे यह नंबर बढ़ता है, ऑयल की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ता जाता है। यानी कि SAE 30 ऑयल की विस्कोसिटी एवं गाढ़ापन SAE 20 से अधिक होगी। जब आप इंजन ऑयल खरीदते हैं तो उस पर ऑयल का नंबर कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे कि 15W30। आइए इसका अर्थ समझते हैं। यहां पर W का अर्थ होता है विंटर। W के पहले जो नंबर लिखा होता है वह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -17.2 डिग्री सेल्सियस पर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को बताता है, यानी कि यह नंबर ठंड के समय ऑयल की विस्कोसिटी को बताएगा। एक बात आप समझें कि ठंड बढ़ने पर ऑयल गाढ़ा होता जाता है एवं उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए ठंडे स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले इंजन ऑयल की विस्कोसिटी कम होना चाहिए। यदि 5W30 एवं 15W30 ऑयल की तुलना की जाए तो 5W30 ऑयल की 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विस्कोसिटी 5 होगी एवं 15W30 ऑयल की विस्कोसिटी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 होगी। 5W30 ऑयल की विस्कोसिटी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15W30 से कम होने का अर्थ है कि ठंड के समय 5W वाला ऑयल अधिक पतला होगा, इसकी विस्कोसिटी कम होगी एवं ठंडे स्थानों पर यह अच्छी तरह कार्य करेगा। इसी तरह से 0W30 ऑयल की विस्कोसिटी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 0 होगी, यानी यह 5W30 ऑयल से भी अधिक पतला होगा एवं अत्यधिक ठंड के समय भी यह नहीं जमेगा एवं ठंडे स्थानों पर यह अधिक उपयोगी साबित होगा। W के बाद जो नंबर लिखा रहता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को बताता है, यानी 10W30 ऑयल की विस्कोसिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 होगी एवं 20W40 ऑयल की विस्कोसिटी 100 डिग्री पर 40 होगी। तापमान बढ़ने पर ऑयल पतला हो जाता है। 20W40 ऑयल की विस्कोसिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 होने का अर्थ है कि यह 10W30 ऑयल से अधिक अच्छे से कार्य कर पाएगा, क्योंकि उच्च तापमान पर इसकी विस्कोसिटी अधिक रहेगी तो यह अधिक पतला नहीं हो पाएगा एवं इंजन पार्ट्स को अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर पाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि W के पहले लिखा हुआ नंबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -17.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑयल की विस्कोसिटी बताता है एवं W के बाद लिखा हुआ नंबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस ऑयल की विस्कोसिटी को बताता है। यानी यदि 20W40 नंबर वाले इंजन ऑयल की बात की जाए तो ठंड के समय 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसकी विस्कोसिटी 20 एवं गर्मियों के समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी विस्कोसिटी 40 होगी। इसी तरह से SAE 5W30 नंबर वाले इंजन ऑयल की विस्कोसिटी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 5 एवं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 है, यानी इस इंजन ऑयल का प्रयोग ठंडे स्थानों पर किया जा सकता है। और अगर हम बात करें 20W50 नंबर वाले इंजन ऑयल की, तो इस इंजन ऑयल का प्रयोग गर्म स्थानों पर किया जाता है। तो अब आप इंजन ऑयल की SAE रेटिंग को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मैकेनिक के द्वारा कभी कभी इंजन ऑयल को मोबिल ऑयल भी कहा जाता है, तो आपको बताना है क्या इंजन ऑयल के लिए मोबिल ऑयल भी कहा जा सकता है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हां या ना में हमें दें और साथ ही आपके जवाब का कारण भी लिखें। अब आप इन दो इंजन ऑयल को देखिए। इस इंजन ऑयल पर केवल SAE 50 लिखा हुआ है, यह सिंगल ग्रेड ऑयल है, जबकि इस ऑयल पर 20W40 लिखा हुआ है, यह मल्टी ग्रेड ऑयल है। मल्टी ग्रेड ऑयल का अर्थ है जो विभिन्न तापमान पर अपनी विस्कोसिटी को बदल सकता है, इसलिए यह एक तापमान की रेंज में कार्य कर सकता है। जैसे कि 20W40 इंजन ऑयल अपनी विस्कोसिटी को 20 से 40 तक बदलता है, इसलिए यह 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अच्छे से कार्य कर सकता है।
जबकि सिंगल ग्रेड ऑयल जैसे कि SAE 50, SAE 30 अपनी विस्कोसिटी को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए यह विभिन्न तापमानों पर अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाते। तो अब आप सिंगल ग्रेड ऑयल एवं मल्टी ग्रेड ऑयल को भी समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि आप अपनी गाड़ी के इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव कैसे करें? तो इसका एक ही सरल आंसर है कि इसके लिए आप अपनी गाड़ी के निर्माता के रिकमेंडेशंस को जानें। आपकी गाड़ी का निर्माता आपकी गाड़ी के इंजन के लिए जिस इंजन ऑयल को रिकमेंड करे, आपको अपनी गाड़ी के लिए वही इंजन ऑयल प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप इन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एवं बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।